नमस्कार। झारखंड सिर्फ अपने प्राकृतिक या फिर अपने खनिजों को लेकर प्रसिद्ध नहीं है, झारखंड में ऐसे बहुत सी प्राचीन शहर हैं जिसके बारे में हम सब नहीं जानते हैं। आज हम बात करने वाले हैं नवरत्नगढ़ के बारे में। इसे हम प्यार से दोईसागढ़ भी बोलते हैं। ये शहर नागवंशी राजाओं द्वारा बसाया गया था। 1630 से लेकर 1640 ईस्वी में 46वें नागवंशी राजा दुर्जन साल ने खुकरा से ज़्यादा सुरक्षित इस जगह को समझा और यहाँ पे अपना एक शहर बसाया। नागवंशी राजा खुकरा में पहले रहा करते थे, लेकिन 1616 में जब मुग़ल बादशाह जहांगीर ने खुकरा पे हमला करके वहाँ से हीरे, खजाना और बहुत सारे चीज़ों को लूट कर राजा को बंदी बनाकर आगरा लेके चले गए। 12 साल तक ग्वालियर के किले में इन्हें कैद करके रखा गया। नागवंशी राजा दुर्जन साल को हीरे का परख बहुत अच्छे तरीके से आता था और ये कला बादशाह जहांगीर ने देखा था। इस कला से खुश होकर बादशाह ने उन्हें शाह की उपाधि दी और फिर उन्हें मुक्त कर दिया। उन्होंने ना सिर्फ अपने आप को मुक्त कराया, अपने साथ 9 और बंदी राजाओं को भी जहांगीर के चंगुल से मुक्त कराया। मुक्त होने के बाद सभी राजा दुर्जन साल के किला देखने दिसोईगढ़ आए। यहाँ पे अधिकतर मिट्टी का घर था। उन्हें प्रजा और राजा में कोई भी अंतर ही ना दिखा, सिर्फ एक सिंहासन का अंतर था। जब वो सिंहासन पे बैठते थे तो वो राजा कहलाते थे। इसके अलावा वो आम सदस्य की तरह गांव में रहा करते थे। ये सब चीज़ें देखकर नौ राजा ने सोचा कि क्यों ना हम अपने मित्र को एक महल बना कर दें। तब राजा दुर्जन साल ने बोला कि ये हमारे परंपरा में नहीं है। उनके लाख मना करने पर भी उनके मित्र नहीं माने और उनके लिए एक ऐसे महल का निर्माण किया जिसके हर फ्लोर पे 9 कमरे बने और इसलिए इसका नाम नवरत्नगढ़ पड़ा। इसके साथ साथ यहाँ पे और भी छोटे छोटे महल बनाए गए हैं, लेकिन नवरत्नगढ़ का आपको मुख्य महल जो देखने को मिलेगा वो नारियल तालाब के पश्चिम में देखने को मिलेगा। ऐसे अद्भुत महल झारखंड की शान में 4 चांद लगा देते हैं। ऐसे ही जगह को झारखंड सरकार टूरिस्ट प्लेस में डेवलप करने जा रही है। आने वाले समय में आपको यहाँ पे एक बढ़िया टूरिस्ट प्लेस देखने को मिलेगा जिसमें आप नए नए रेस्टोरेंट और भी बहुत सारी सुविधाओं का लुत्फ़ उठा पाएंगे। तो ये था नवरत्नगढ़ का पूरा इतिहास और उससे जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।